হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল ত্রিপুরা রকার্স, আমি মৃত্যুঞ্জয় দাস তোমাদের সঙ্গে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি শুধু আমি তোমাদের সঙ্গে না, আজকে এমন একজন পার্সোনালিটি, এমন একজন ব্যক্তিত্ব, এমন একজন আছেন যার পরিচয় অপেক্ষা রাখে না। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা সবাই চেনো ওনাকে, সবাই জানো, এবং আজকে উনি আমার বাড়িতে এসেছেন, আমার ব্লগসের উনি আজকে আমাকে সঙ্গে দেবেন। তো বন্ধুরা, গেস করে দেখি, গেস করতে পারো কি না? নো, আমার সঙ্গে আছেন যারা গেস করতে পেরেছেন, যারা আমার ভিডিওটা দেখে থাকেন, ওরাই একমাত্র গেস করতে পারবে। অ্যান্ড হি ইজ নান আদার দেন আওয়ার আশফাক স্যার। স্যার, সে হ্যালো টু অল মাই ব্লগার্স, ওয়াচার্স অ্যান্ড ভিউয়ার্স। স্যার, আই উইশ অল মাই ফ্রেন্ডস অফ ত্রিপুরা হ্যাপি বিশ্বকর্মা পূজা। সবাইকে নমস্কার, সবাইকে আমার নমস্কার, হ্যাপি বিশ্বকর্মা পূজা সবাইকে। আমি বলতে ভুলে গেছি, কিন্তু মানে দেখো দেখো আমি ভুলে গেছি, কিন্তু স্যার কিন্তু ভুলেননি। তো স্যার, আমাদের যে আজকের দিনটা, যে বিশ্ব মানে দিবস, বিশ্বকর্মা পূজার সঙ্গে আরেকটা কি যেন দিবস স্যার, মোদিজির জন্মদিন মনে হয়, মোদিজির জন্ম দিবস। আর উসকে লিয়ে সবকো বাধাই। আর বহুত সারে লোক মুঝে আজ মেসেজ কিয়ে হ্যাপি বিশ্ব বটপার দিবস, তো মাই বোলা কোন সা দিবস, मैं हैरान हो गया कि ऐसा क्या है। तो मैं बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है जी, बिल्कुल, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। हाँ, मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं प्रधानमंत्री जी के इस अवसर पर। त्रिपुरा सरकार तो सबको 2 लाख 3 लाख का चेक बांट रही है, ऑटो रिक्शा का चाबी दे रही है, और आज वही सरकार उन ऑटो वाले भाइयों को चाबी दे रही है जिसको आज से 1 साल पहले उसी सरकार के एक विधायक ने सुअर बच्चा बोला था। तो चलो, अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। और ऑटो रिक्शा वालों को, भाइयों का जो आत्मसम्मान रखने के लिए त्रिपुरा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ICA सेक्रेटरी PK चक्रवर्ती, DGP अमिताभ रंजन जी और ICA मिनिस्टर सुशांत चौधरी जी के प्रेजेंस में रविंद्र भवन में जो कार्यक्रम किया है, तो मैं आज चाहता हूँ कि शायद जो ठेस पहुँची थी रिक्शा वाले भाइयों को जब उनको सुअर का बच्चा बताया गया था पिछले साल एक रैली में, एक सुशासन सरकार वाले एक विधायक ने जो गलत एक स्टेटमेंट दिया था, तो मुझे दुख हुआ था। लेकिन आज खुशी भी हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आज उन्हीं ऑटो वाले भाइयों को रोजगार देने के लिए SC कारपोरेशन से लोन के जरिए आवंटन करके ऑटो का चाबी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने उनका सम्मान भी रखा है और अपने एक विधायक की बेवकूफ गलती को सुधारा भी। दोबारा ऐसी गलती ना हो, और जिस ऑटो वाले भाई को रोज़गार देने के लिए राज्य की सरकार इतना अगर परिश्रम कर सकती है, तो उसी सरकार के बेवकूफ़ विधायक को ऐसा फालतू बकवास बयान नहीं देना चाहिए दोबारा कभी। ऑटो में जाते हैं ना हम जैसे कॉमन आदमी, तो हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं कि भाई इधर छोड़ दीजिए, हम कभी उनको ऐसे गलत शब्दों से उनको कभी भी उनको रेफ़र नहीं करते। एक MLA जब विधानसभा में जाता है ना, तो सामान्य व्यक्ति के लिए जाता है। सामान्य व्यक्ति में ऑटो चलाने वाला व्यक्ति, मैनुअल ऑटो चलाने वाला, ऑटोमेटिक चलाने वाला, ई रिक्शा वाला, हर कोई गरीब और हर कोई मजदूर जो अपना वेजेस कमा रहा है ना, उनका भी आत्मसम्मान होता है। तो किसी विधायक को अधिकार नहीं है कि किसी को सुअर का बच्चा बोले। तो सर, आप कल जा रहे हैं त्रिपुरा से? मैं महाराष्ट्र से वापस, आप जैसे भी परिस्थिति होगी आने वाले विलेज काउंसिल के इलेक्शंस की, और जैसा दायित्व होगा पार्टी का, मैं वापस आऊँगा। बट कनेक्टेड रहूँगा फ़ोन पर, जब भी कुछ होगा त्रिपुरा के लोगों को ज़रूरत, आई विल बी अवेलेबल ऑन फ़ोन। और आने वाले दिनों की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ दुर्गा पूजा के अवसर पर। आई विल बी मिसिंग इट, बट I will be enjoying that happiest moment on all the televisions and all the media, and I will catch up with all the glimpse of this Durga Puja festival. सर, और एक बात है जो 10,323 के बारे में कल उनका स्टेटमेंट आया है EM का, यानी कि एडुकेशन मिनिस्टर का, तो उन्होंने बोला है कि ये एक सेटल मैटर है, उनसे कोई सवाल ना पूछे इस बारे में, तो आपका इसमें क्या कहना है? और देखिए, उस दिन तो जब मैं वहाँ पर आया था, तो कुछ भाइयों ने बाइट लिया था। उस वक्त मैंने बोला था कि पूरा दिन ये जो आप खड़े थे और आपको किसी ने एक आश्वासन भी नहीं दिया है,
और कुछ बोला भी नहीं है। तो उससे मुझे तभी समझ में आया कि सरकार इज़ गवर्नमेंट इज़ नॉट विलिंग टू सॉल्व द 10,323 इशू। और उसी दिन मैंने बता दिया था। और मैंने कुछ और भी चीज़ देखी थी कि जिस दिन मैं वहाँ से निकला तो मेरे पार्टी के लोगों को, शासक दल के शिक्षा मंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी फ़ोन किया, ऐसा है वैसा है। मेरे वहाँ बात करने से उनको थोड़ा सा ये लगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो जो जो सही लगा मैंने व्यक्तिगत कैपेसिटी में बोला, एज ए नॉट एज ए ऑफिस बेयरर ऑफ माय पार्टी। आई एम लीस्ट बॉदर्ड एंड आई एम ऑलवेज नो प्रॉम्प्ट इन स्पीकिंग व्हाट इज ट्रू एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। और मैंने वही बोला और आज भी वही बोलूँगा। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग देयर विद रेफरेंस टू 10,323 एज आरपीआई ऑफिस बेयरर। नो, इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी आई एम रिप्रेजेंटिंग देयर एंड इट इज़ माई अर्नेस्ट डिजायर दैट आई नीड टू स्पीक ऑन द जेन्युइन मैटर। और मेरा अप्रिहेंशन था कि ये नहीं करेंगे। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, एक मीडिया पर्सन ने जब सवाल पूछा कि 10,323 के लोग दो दिन से घेराव कर रहे हैं, इसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे क्या, तो बोले इच्छू व्यापार टाइम में कुछ बोलवे ना। उसने ये भी किया, इट इज़ अ सेटल्ड मैटर। तो मेरा अभी 10,323 वाले जितने भी भाई लोग हैं, टीचर्स हैं, रिट्रेंस, उनके साथ मेरी संवेदना है। और मुझे अप्रिहेंशन था कि उसके ऊपर सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इनको गोल गोल घुमाया जाएगा। और चलो थैंक्स कि एटलीस्ट शिक्षा मंत्री जी ने ये बात बता दी कि ये सेटल्ड मैटर है, दैट मीन्स इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। इफ द मैटर इज सेटल्ड फॉर वंस फॉर एवर, इसका मतलब है कि अब उनको जाके गिड़गिड़ाना एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, अब ये उनके लिए अभी कोई मतलब नहीं है। अब वो अपना लाइन ऑफ एक्शन आगे आने वाले पाँच महीने छः महीने के बाद जो है अपना ताकत को संगठित करे और एक नई ताकत के जरिए उभर के सामने आए। और आने वाले दिनों में यही जो आज शासक दल के पास नौकरी की भीख मांग रहे, यही शासक का हिस्सा बने, यही लोग जो आज वंचित है ना, टीचर्स रिट्रेंच हुए ना, यही इनमें से विधायक बन के आए और आने वाले सरकार के गठन में इनका इनका स्टेक हो और फिर वो उन्हीं लोगों का समस्या समाधान करे। आई एम श्योर कि ये लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नेंस में तो अल्टीमेटली ये 10,323 का मुद्दा रिजॉल्व हो सकता है। यस सर, मुझे उम्मीद था, मुझे एक ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब के तरीके बात करते करते एक हिंट मिला था कि कुछ करेंगे इसके ऊपर, बट आई एम अनफॉर्चुनेट कि वो शब्दों पे खड़े नहीं उतरे। और मुझे लगता है कि फिर जेआरबीटी को भी ऐसे ही चाल ढकल करके आगे ढकला जाएगा। और जैसे 1,000 का 2,000 पेंशन दिया गया, ऐसा कुछ टिट्स बिट्स में कुछ इलेक्शन से पहले कुछ भीख के जरिए ऐसा दिया जाएगा ताकि देखो हम कर रहे हैं, सुशासन ला रहे, ये ला रहे, वो ला रहे, वो ला रहे। तो ऐसा एक थोड़ा सा बोलते हैं ना, गाजर का हलवा खिलाने का प्रयास किया जाएगा। और अब जिसको इच्छा है गाजर का हलवा खाने की वो खा ले। अच्छा, तो उन लोगों से आपका कुछ ऐसा कोई मैसेज है कि एक साथ आए और एक साथ एक यूनाइटेड फोरम के तहत वो लोग भी सरकार में आने की कोशिश करें? मैं तो चाहता हूँ कि आप भिखारी बन के कब तक सरकार के दरबार में माथा रगड़ोगे कि हमारा नौकरी दो नौकरी दो। आप मांगने वाले क्यों बनते हो, आप देने वाले बनो ना। राइट, आप वाई आर यू डिमांडिंग, यू कमांड योर पोजीशन। आप भिखारी नहीं हो, आपने भिकमंगों को राजा बना के बिठाया है। राइट, जिनके पास खाने के वांदे थे वो तीन तीन माला का बिल्डिंग बांध लिए, जमीन एस्टेट कर लिए, कोलकाता में अस्पताल बांध लिए। जिनके खाने के वांदे थे, खाने के वांदे थे, उनको आपने राजा बना दिया। किसने? प्रजा ने। तो प्रजा भी क्यों मांग रही है राजा के सामने? गांड पे लात मार के भगाओ राजा को, इसकी ऐसी की तैसी राजा की। श्रीलंका में कैसा भगाया मार के, वैसा भगाओ तुम भी। और तुम आओ इलेक्शनों में लड़के तुम लोग असेंबली में आओ और जिसके बाप से जो चाहिए वो कराओ। कौन रोकता है उसकी ऐसी की तैसी? यस सर। और सर, टेट वालों के लिए कुछ मैसेज होगा? टेट वालों का तो मैंने उस दिन भी बोला था ना कि इतने लोग हैं, इतने वंचित है, तब जाके शिक्षा मंत्री जी ने आज थोड़ा सा उस पर बोला, प्रसाद दिया। जब उनको जो उसमें सब 10 चीज में से जो देनी है तो उन्होंने पहले बता दिया, क्योंकि उस दिन मैंने वो बोल दिया टेट 1 टेट 2 भी है, तो उनको लगता कि स्पष्टीकरण दे देंगे। मैं बोला ना कि दुर्गा पूजा में कपड़े लेके घूम रहे, सोचा कि अपॉइंटमेंट अब तक आया ही नहीं है, तब जाके शायद शिक्षा मंत्री जी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं नहीं हम दे रहे हैं बहुत लोगों को, पूजा से पहले अपॉइंटमेंट देंगे और पूजा के बाद बहुत लोग ज्वाइनिंग भी करेंगे। चलो अच्छी बात है, आपने थोड़ा सा प्रेशर में आके वो तो बोला और प्रेशर में आके ये भी बोला कि 10,323 इज़ अ सेटल्ड मैटर, लेकिन जेआरबीटी के ऊपर नहीं बोला। सस्पेंस जारी है और आने वाले दिनों में 5 महीने बाद और सस्पेंस जारी है आपके लिए। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, दुर्गा पूजा हो जाने दीजिए। शुभ मुहूर्त में अशुभ चीज़ें नहीं बोला करते। दुर्गा पूजा होने दीजिए, महिषासुर का वध होने दीजिए, फिर 6 महीने बाद भी महिषासुर का दोबारा वध होगा फरवरी में।
एकदम सर, यही लोग जो जिनको आप गाजर दिखा रहे हो ना, वही लोग महिषासुर का वध दोबारा फरवरी में करेंगे 5 साल के लिए, एकदम सर, फिर समझेगा, एकदम सर। तो इसी उम्मीद के साथ और आशा के साथ संगठित हो जाइए। देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है, सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो, गेट एजुकेटेड, गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड फाइट फॉर योर राइट्स। सर घर में बैठ के सोशल मीडिया पे कमेंट करना बंद कर दो, JRBT रिजल्ट कब दोगे, टॉपिक चलता है सुशासन का, लॉ एंड ऑर्डर का, उस पर कमेंट करके लिखते मेरे भाई लोग, JRBT का रिजल्ट के ऊपर कुछ बोलो, क्यों, बोलने से रिजल्ट दे देंगे, आपको लगता है आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करके लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो थोड़ा सा लॉजिकल माइंड अप्लाई करके देखो कि सोशल मीडिया पे टाइप करने से JRBT का रिजल्ट पब्लिश नहीं होता है, याद रखना। बिल्कुल सर, कम आउट ऑफ दैट फोबिया एंड ऑर्गेनाइज योरसेल्फ फॉर अ टफ रेजिस्टेंस साइड। अधिकार नहीं मिलता है तो आगे संवैधानिक तरीके से अधिकार छीनना सीखो, और संवैधानिक तरीके से अधिकार छीनना मतलब यू हैव द पावर ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज एक्सरसाइज इन अ प्रॉपर मैनर। एक और चीज़ है, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को वंचना मिल रहा है, आपको तो पता ही है हमारे त्रिपुरा स्टेट में अभी तक 6th pay commission ही ठीक तरह से लागू नहीं किया गया। नहीं नहीं, 7th pay commission दे दिया BJP ने, सब लोग करोड़ों में खेल रहे, लाखों लाखों करोड़ों में सब एंजॉय कर रहे, सब बैंक बैलेंस भर गया है। 15 लाख तो ब्लैक मनी आया उसका तो मिल ही गया था, और 7th pay commission तो March 2018 के बाद मिलना शुरू हो गया। त्रिपुरा का पर कैपिटा इनकम बढ़ गया 25, फिर 25 साल में जो नहीं हुआ CPM के टाइम पे सब, BJP के टाइम पे सब ने देख लिया। अब सब लोग बोल रहे हैं कि हम इतने संपन्न है, इतने प्रॉस्परस है कि अभी कुछ नहीं चाहिए सरकार, कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया हमको, 7th pay commission मिल गया, इतना पैसा हो गया बैंक में कि बैंक बोल रही है अब मत लाओ, जगह नहीं रखने के लिए, इतना पैसा मिल गया। 7th pay commission बोलता है अभी नहीं चाहिए, अभी अगला मैनिफेस्टो आएगा ना तो बोलेगा नहीं नहीं 7th pay नहीं चाहिए, पहले ही पैसा भर गया, हम क्या करेंगे इतना पैसे का, वी डोंट वांट एक्स्ट्रा मनी। DA तो आपने इतना दे दिया कि आप लगता है कि जिंदगी सफल हो गया, जी लिया, आपको चाहिए नहीं, कुछ इच्छा ही नहीं बची हमारी। 299 मैनिफेस्टो में के जितने भी फुलफिल किए ना, इतना कर दिया है कि अगले 7 जन्म में कुछ नहीं करे तो हमको कुछ दुख नहीं होगा, इतना कर दिया है सरकार, क्या चाहिए, बहुत कुछ कर दिया, सुशासन भी ला रहे सबके घर में, सुशासन सर फोड़ रहे बाइक वहीनी गैंग, इतना अच्छा सुशासन ला रहे कि पूछो मत, इतना जबरदस्त मारापीटी हो रहा है, इतना सुशासन चल रहा है, मैं 3 महीने से देख रहा हूँ, ऑपोजिशन वालों को मार के उन्हीं को विशालगढ़ में जेल में डाल दिया जाता है, इतना सुशासन तो आ गया, अब क्या इससे अच्छे दिन आएंगे बताओ, अच्छे दिन आ गए सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वही में विक्टिम बनता है, वही एक्यूज बनता है, फॉल्स केस में SDPO राहुल दास उनको अंदर डालता है, किसके कहने पे पता नहीं, इससे बढ़िया सुशासन क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल, बस सब सफल हो गया, त्रिपुरा का भाग्य खुल गया 5 साल में, विप्लव देव जी की सरकार में तो त्रिपुरा ने अपने आप को दूधो नाव पूतो फलो जैसी स्थिति में देख लिया, दे आर ब्लेस्ड विद द, जिसको आप बांग्ला में बोलते त्रिपुरा प्राक्तन लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अगले 7 जन्म में आपको ऐसे ही मिलते रहे मुख्यमंत्री लोकप्रिय, कि आपके लोगों का जीवन ही सफल हो जाए, कि आपको जीवन में ना जिंदगी में इस फिर ऐसा लगे कि ना इस ब्रह्मांड का अनुभव आपको पृथ्वी पे ही हो रहा है। और देखिए ना आज विश्वकर्मा पूजा है, भगवान विश्वकर्मा इस ब्रह्मांड के सबसे पहले शिल्पकार इंजीनियर माने जाते, 5 दिन पहले सर विश्वेश्वरैया जिनके नाम से हम उनके बर्थडे एज ए इंजीनियर्स डे मनाते हैं, तो त्रिपुरा में इंजीनियर्स को बाटपार बोला जाता है, यस, और ऑनरेबल डिप्यूटी स्पीकर श्री विश्वबंधु सेन जी है जो इंटेलेक्चुअल माने जाते, और शायद विप्लव जी ने बोला था कि बंगाली आदमी बहुत इंटेलिजेंट रहता, तो शायद विश्वबंधु जी ने शायद उसका ही प्रमाण दिया होगा, जैसे उन्होंने इंजीनियर्स लोगों को बाटपार बोला था, तो वाह कितना बड़ा किताब मिला। मुझे लगता है कि यदि मोदी जी और अमित शाह जी यदि यह सुनेंगे तो कितना उनका दिल खुश हो जाएगा ना, कि हमारा एक विधायक जो डिप्यूटी स्पीकर है वो एक इंजीनियर्स के प्रोफेशनल्स कम्युनिटी को बाटपार बोलता है, तो फिर डेवलपमेंट की सरकार जो इंजीनियर्स लाती है वो क्या अमेरिका से या यूरोप से लाती है, कहाँ से लाती है, कॉन्ट्रैक्टर जो लगाए हैं अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ये डेवलपमेंट वाली सरकार इंजीनियर्स कहाँ से लाती है, फिर
बटपर इंजीनियर को लाती तो है, वही बटपर फैक्ट्री से लाती है क्या जिसके बारे में विश्वेंदु सेन बोल रहे, शायद वही होगा, शायद वही होगा। तो बटपर से जब लाने वाला है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका बटपर ही होगा, फिर क्वालिटी भी बटपर ही होगा। इतना पैसा खर्चा करके वो लोग इंजीनियर बनते हैं पढ़ाई में, उनको अभी तो कॉलेज में दाखिला भी नहीं मिल पाता। सो सैड कि सर विश्वेश्वरैया को भी हमने अपमानित कर दिया कि जिनके लेगेसी को हम वर्ल्ड इंजीनियर्स डे मनाते, उस कद्दावर व्यक्ति का, उस पर्सनालिटी का भी हम मान नहीं रख सकते और उसका अपमान इस धरती पे होता है त्रिपुरा के। जिन्होंने बोला उनका क्या क्वालिफिकेशन है सर? उनका क्वालिफिकेशन है कि वो बीजेपी के विधायक है और ऑनरेबल डिप्यूटी स्पीकर है, और बीजेपी में जो बोलेगा वो सर्टिफाई हो जाता है। जैसे आप राष्ट्रद्रोही हो तो बीजेपी सर्टिफाई करके देती है, आप देशद्रोही हो बीजेपी सर्टिफाई कर देती है, आप देश प्रेमी हो ये बीजेपी सर्टिफाई करके देती है, आप भ्रष्टाचारी हो 70 साल से आपने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया ये बीजेपी सर्टिफाई करके देती है। यानी इनके पास सर्टिफिकेशन देने का एक फैक्ट्री है, ये जिसको जो ब्रांडिंग करेंगे वो ब्रांडिंग हो जाता है। ऐसा हो सकता है, सुपरा नेचुरल एंटिटी, सुपरा नेचुरल भगवान के पास शायद इनका ही नंबर आता होगा, तो ये जो बोलेंगे इट्स अ फाइनल वर्डिक्ट। तो भगवान के बाद मैं बीजेपी को नमस्कार करता हूँ और उनके विधायक को नमस्कार नतमस्तक होता हूँ जिन्होंने हमारे इंजीनियर भाई को बाट पर बोला। तो मेरे दुख होता है कि मेरे जो छोटे भाई लोग हैं बहुत कष्ट से अपने माँ बाबा के पैसे से इंस्टॉलमेंट भर भर के फीस दे दे के इंजीनियर बने, अब भी आपकी डबल इंजन वाली सरकार में नौकरी नहीं मिला उनको, तो उनके जख्म पे घाव देना कम से कम वो तो मत करिए जब आप नौकरी नहीं दे सकते हो। कई इंजीनियर्स बेचारे अनएम्प्लॉयड है और सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा कि अनएम्प्लॉयड होते हुए भी आशा रख के कि नौकरी मिलेगी और उसमें एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्पीकर है, डिप्यूटी स्पीकर जो लेजिस्लेटिव बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टर है, गार्जियन है, वो व्यक्ति एक डायस पे इंजीनियर्स को बाटपार बोलता है। इट्स शेमफुल वर्ड। और एक और चीज, नॉट कंड्यूसिव टू हिज पर्सनालिटी। एक और चीज़ जो पहले हमारे स्टेट में त्रिपुरा में TPSC TEC एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी त्रिपुरा इंजीनियरिंग सर्विस, तो वो भी तो अभी नहीं हो रहा, बहुत सालों से वो ठप पर आए। नहीं तो इसलिए भी नहीं करा रहे क्योंकि इनका विश्वास बैठ गया है कि इंजीनियर बाटपार होते, इसलिए बाटपार लोगों को क्यों रिक्रूट करा जाए। बाटपार को रिक्रूट ही करना है तो कॉन्ट्रैक्टर को थर्ड पार्टी एजेंसी दे दो, फिर बाटपार लोग वहाँ से आएंगे। शायद इन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था वे पिछले साल JRBT का, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों में, सर इंजीनियर आपको हैरानी होगी सर, BTEC इंजीनियर्स ने यहाँ पे भाग लिया सर, उन्होंने भी ये एग्ज़ाम फेस किया। ये लोग इतना पढ़ाई करके इंजीनियर्स बनते हैं और ग्रुप डी का तो मिनिमम क्वालिफिकेशन था क्लास 5। वही तो बोला, ये जिनको बाटपार बोलते हैं उनको मेहनत करना पड़ती है, उनको कष्ट दे के एग्ज़ाम दे के उनको आना पड़ता है, और जो लोगों को बाटपार बोलते हैं उनको बाटपारी धंधा करने अपना बाटपारी व्यवसाय चालू करना पड़ता है, और ये लोग बाटपारी करके प्रोफेशनल्स को ये बाटपार ब्रांडिंग करेंगे। तो बाटपारी का अवार्ड किसको मिलना चाहिए? जो बोलते उनको, है ना? हाँ। यानी बाटपारी आप करो, जुमलेबाजी आप करो, और आप इनोसेंट प्रोफेशनल्स जो इस देश के कहीं ना कहीं सर्विस से सरेंडर करके अपना योगदान दे रहे, अपने क्वालिफिकेशंस को न्याय दे रहे और समाज को न्याय दे रहे, उनको बाटपार डिक्लेयर करने वाला इस विश्व का सबसे बड़ा बाटपार है। हाँ। और उसको बाटपारी का अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन सर इस स्टेटमेंट के एवज में अभी तक कोई ये नहीं आया सर, उसका कोई अपोज नहीं किया किसी ने? अपोज इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा फालतू इनसेन इलॉजिकल स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति को प्रोफेशनल लोग रिप्लाई नहीं करते, ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, एंड दैट्स वेयर दे हैव वन द सिचुएशन। प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैव वन एंड दे डोंट रिप्लाई टू दोस फिल्दी वर्डेड पीपल। यस सर, यही उनकी पहचान है, और इंजीनियर्स ने रेस्ट्रेंट रख के अपने आप को प्रूव किया कि वी विश्वेश्वरैया सर के लेगेसी को किसी भी तरीके से धब्बा नहीं लगाना चाहते सर। और उन इंजीनियर्स को मैं सलाम करता हूँ। तो सर आने वाले दिनों में शायद सुशासन हो जाए, यही उम्मीद रखते हैं। 6 महीने बाद सुशासन जरूर होगा और बहुत कड़क होगा, और वो ऑफिसर भी सुन ले कान खोल के
जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं, जो विपक्ष का दमन करते हैं, जो संविधान की आवाज को दबाते हैं, झूठे केसेस लगाते हैं, वो ऑफिसर मार्च 2023 के बाद तैयार हो जाए। एक समिति का गठन होने वाला है जिसमें एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन को रेप्रिमांड किया जाएगा, और नेपोटिज्म और पार्शियली किसी के इंटरेस्ट में जिस ऑफिसर ने काम किया है वो अपने नौकरी का हिसाब देने के लिए तैयार रहे। मार्च 2018 के बाद जो नई सरकार बनेगी वो आपके बराबर एक एक कर्म का हिसाब लेगी, ये याद रखना। जिसने जिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, जिनके ऊपर एट्रोसिटी हुई है, जिन विपक्ष का दमन करते हुए जो विक्टिम थे उन्हीं के ऊपर केसेस चलाए गए, वो सब बटपार ऑफिसर्स याद रखे कि आपको कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो आपके पीछे, सरकार जब आएगी नए सिरे से, नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ, तब आपके हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। गेट रेडी फॉर द टफ टाइम टू फेस, लीगल मैनर में यू विल बी रेप्रिमांडेड। बिल्कुल सर, और उसी आशा के साथ आज मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आप थैंक मेरे यू, ब्लॉग्स में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको। आपका 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 जाने भी शुभ हो सर, थैंक शुभ यू, यात्रा थैंक सर। यू, आपका कल थैंक जाने यू। वाले हैं, आप अपने परिवार से मिलने वाले हैं, तो आप पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सर मेरी तरफ से, मेरे बिल्कुल परिवार की बिल्कुल तरफ से, बिल्कुल, आप आपके पूरे परिवार को और आपको भी सर। थैंक यू थैंक और यू, और सर मेरी तरफ आप से त्रिपुरा के सभी वासियों को दुर्गा पूजा की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा से सिर्फ एक ही चीज मांगी है कि त्रिपुरा में उनकी सरकार आने दीजिए और उन लोगों का कॉम्पोजिशन होने दीजिए सरकार में जो सामान्य लोगों और सामान्य लोगों के तकलीफ और भावनाओं से वो वाकिफ है, और उनके हृदय से वो उन सामान्य लोगों के लिए काम करे। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन में सामान्य व्यक्ति की सरकार बने, सामान्य लोगों की बने, पावरफुल लोगों की नहीं बने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और तो आने वाले दिन में अच्छे लोगों को लाइए, ये आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी दोबारा आएगा। बिल्कुल सर, तो इसी आशा के साथ मैं आज अपना वीडियो का ये पर्व खत्म करता हूँ। थैंक सभी यू, लोगों को थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, शुभकामनाएं, जय तो भारत, जय त्रिपुरा, और मेरी जय तरफ से महाराष्ट्र, भी जय महाराष्ट्र जय भी, महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जय हिंद। भारत।